हेलो एवरीवन, मैं हूं नेहा एंड वेलकम टू माय चैनल। होप यू गाइस डूइंग वेल। सो आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर कर रही हूं एक स्प्रिंग समर लुक बुक। होप यू गाइस रियली एंजॉयड दिस लुक बुक। ये जो लुक बुक आपके साथ शेयर कर रही हूं, ये पर्टिकुलर किसी भी ऑनलाइन स्टोर से नहीं है। आई एम नॉट शेयरिंग अ अजियो होल, आई एम नॉट शेयरिंग अ मिंत्रा होल, ना अमेजोन होल, किसी से भी पर्टिकुलर रिलेटेड नहीं है। ये सारे जो कुर्ती होल, एक्चुअली इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर अ स्प्रिंग समर कुर्ती होल, जिसे आप स्टाइल कर सकते हो समर में, स्प्रिंग में, तरह तरह से डिफरेंट स्टाइल में आप स्टाइल कर सकते हो। सो दिस कुर्ती लुकबुक इज एक्चुअली नॉट पर्टिकुलर ऑनलाइन स्टोर। ये जो है सभी अलग अलग जगह से परचेज की है। दिस इज बेसिकली माई वॉर्डरोब स्प्रिंग समर लुकबुक, जिसे मैंने कुछ मिक्स एंड मैच करके, जो मेरा पूरे ईयर का कह सकते हो या पुराना जो कलेक्शन था उसको कलेक्ट करके एक स्प्रिंग समर लुकबुक रेडी की है। आई रियली होप यू रियली एंजॉय दिस लुक बुक, बिकॉज मैंने ये एक भी स्टफ न्यू परचेज नहीं किया है। जो पहले से ही वॉर्ड्रोब में था उसी में से स्प्रिंग समर लुक बुक रेडी की है, जिसमें कुछ कलर्स ऐसे हैं। एक्चुअली आई वॉन्ट टू हाईलाइट कि आप समर्स में, स्प्रिंग में इस तरह के कलर्स चूज कर सकते हो, इस तरह से स्टाइल कर सकते हो। तो यही आज के इस वीडियो की खास बात है। सो without getting any delay, let's get start the video. So it is basically a try and haul, जिसमें मैं आपके साथ कुछ स्टाइल क्रिएट करके, जो पुराने जो स्टफ है उनको रिक्रिएट करके एक लुक क्रिएट कर रही हूँ स्प्रिंग समर के लिए। सो आपको कुछ स्टाइल और कुछ आइडियाज मिले। सो या मूविंग ऑन टू दी फर्स्ट कुर्ता, जो कि ग्रीन और सी ग्रीन कलर का कुछ कॉम्बिनेशन है। ये मैंने मिंत्रा से लिया था, बहुत टाइम पहले परचेज किया था। आई थिंक मेरे ब्रदर की मैरिज अराउंड मैंने इसे परचेज किया था। समर में इस तरह के कलर्स और इस तरह की छोटी छोटी प्रिंट्स काफ़ी सुंदर लगती हैं। सो यहाँ पर मैंने इस कुर्ते को पेयर किया है फूशिया कलर की एक प्लाजो के साथ। मटेरियल की बात करें तो 100% कॉटन मटेरियल है, समर के हिसाब से परफेक्ट मटेरियल है। कंफर्ट की बात करें तो फुल ऑफ कंफर्ट है, लेंथ वाइज, फिटिंग वाइज, ऑल ओवर इट इज परफेक्ट। मैंने इसे अपने ब्रदर की मैरिज के मेहंदी के फंक्शन में इससे पहना था। अभी पिक्चर में यहाँ पर पोस्ट कर रही हूँ, आपको दिख जाएगा। मैंने सेम प्लाजो के साथ इसे उस फंक्शन में पेयर किया था। उस समय मुझे नहीं पता था, लेकिन ये मेरे पास कुर्ता था तो मैंने इसे यही पेयर कर लिया। मैंने सोचा था पहले कुछ साड़ी पहनूंगी ग्रीन कलर की, लेकिन कुर्ता जस्ट हाईलाइट हुआ और बहुत प्यारा लग रहा था। मेहंदी के हिसाब से कलर कॉम्बिनेशन काफ़ी परफेक्ट था, तो मैंने यही पहना, बहुत सुंदर लगा। और उस टाइम मैंने इसे एक लॉन्ग स्टेटमेंट पीस के साथ पेयर किया था। कहा है स्प्रिंग में बाल ज़्यादातर वेवी या कर्ली इस तरह से बहुत अच्छे लगते हैं, और बड़ी बिंदी के साथ इस लुक को कम्प्लीट किया है। बड़े बड़े से सिल्वर हुप्स इस बार मैंने स्टाइल किए हैं, गले में कुछ नहीं रखा है। सो या मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कुर्ती, जो कि इस तरह की ग्रे कलर की कुर्ती है, जिसे मैंने व्हाइट कलर की पैंट के साथ स्टाइल किया है। आप इसे चाहें तो व्हाइट कलर की लेगिंग के साथ भी पेयर कर सकते हैं, बट इफ यू आर लुकिंग फॉर क्वाइट स्टाइलिश तो आप इसे पैंट के साथ स्टाइल कीजिए, काफी कूल लगेगा। कलर की बात करें तो बहुत ही ज्यादा कूल कलर है, समर के हिसाब से काफी सही कलर है। मटेरियल की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट मटेरियल है, इसमें नेट है जो कि काफ़ी सॉफ्ट है, और अंदर वाला जो लाइनर का मटेरियल है वो रेयन काइंड ऑफ है, काफ़ी सॉफ्ट है। मेरा फर्स्ट चॉइस होता है कि मैं कंफर्ट को प्रेफरेंस दूँ। स्टोन की वाइट कलर की बिंदी के साथ लुक को कंप्लीट किया है। अगेन हेयर्स को मैंने ओपन रखा है, हल्का सा वेवी लुक दिया है जो इस लुक को काफ़ी कंप्लीट कर रहे हैं। एक न्यूड कलर का स्लिंग क्लच मेरे पास रखा हुआ था, सो मैंने उसको इसके साथ स्टाइल किया है। इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी परफेक्ट, क्योंकि इफ यू रिमेंबर मैं इससे पहले भी अपने एक हॉल में शेयर कर चुकी हूँ। इसका जो नेट का मटेरियल है, नेट का डिज़ाइन है, स्पेशली फॉर नेक डिज़ाइन मुझे काफ़ी पसंद। इस तरह से डीप एंड ट्रांसी नेक मुझे बहुत पसंद है। आप इसमें सेम कलर की ब्रालेट के साथ इसे पेयर कर सकते हो, काफ़ी कूल और काफ़ी स्टाइलिश आपको दिखेगा। सो या मूविंग ऑन टू दिस ब्यूटिफुल वाइट अनारकली कुर्ता, जिसे मैंने बहुत बार, लिटरली बहुत बार पहना है। ये मेरा फेवरेट कुर्ता है। मटेरियल की बात करें तो 100% कॉटन है। डिज़ाइन पैटर्न की बात करते हैं तो अनारकली है, स्लीवलेस है। बहुत सुंदर कुर्ता है, बहुत ही कंफर्ट है। इस तरह के प्लेन वाइट कुर्ते तो आपके पास ज़रूर होने चाहिए, जिसे आप बहुत तरह से रीस्टाइल कर सकते हो, बहुत तरह से
तरह तरह से रिस्टाइल कर सकते हो। बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखते हैं, बहुत ही ज़्यादा क्लासी दिखते हैं और बहुत ही ज़्यादा रिची भी दिखते हैं। एक्चुअली वाइट कलर तो जरूर, वाइट कलर एक ऐसा कलर है जो कभी भी आउट ऑफ फैशन नहीं होता और आप इसे बहुत तरह से कई बार स्टाइल कर सकते हो। मतलब एक ही कुर्ते को आप बहुत तरह से पहन सकते हो। सो वाइट मस्ट हैव, मतलब एक वार्डरोब में आपके पास ज़रूर होना चाहिए। तो मैं वाइट स्ट्रेट पेंट के साथ पेयर किया, आप चाहें तो लेगिंग के साथ भी पेयर कर सकते हैं या इसे एज अ ड्रेस भी आप पेयर कर सकते हैं। नीचे चाहे आप कुछ भी ना पहनो, बिकॉज इसकी लेंथ बहुत अच्छी है, तो इसे एज अ ड्रेस भी आप पहन सकते हो। ये मैंने परचेज किया था जिंजर बाय लाइफ स्टाइल, आई थिंक लास्ट टू लास्ट होली में मैंने इसे पहना था और इसकी पिक्चर्स मैंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट की थी, सब लोगों को बहुत पसंद आई थी। सो अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते तो ज़रूर कीजिए, लिंक सारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मेरी इंस्टाग्राम हैंडल है neha5aug. आपको स्क्रीन पे भी दिख जाएगी। सो ज़रूर मुझे फॉलो कीजिए और आप इस तरह से कोई भी कुर्ता रिस्टाइल करते हो, रिक्रिएट करते हो तो मुझे टैग करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। या दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट लुक, विच वन इज़ योर फेवरेट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सो यहाँ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कुर्ता, जो कि इस तरह का काइंड ऑफ पिच कलर का शेड है। सो ये कुर्ती को मैंने सेल्फ डिज़ाइन किया था। इसका जो मटेरियल है वो एक शर्ट का मटेरियल था जो कि मैंने एक लोकल शॉप से परचेज किया था और फिर खुद इसे सेल्फ डिज़ाइन करवाया था। इसे एंकल लेंथ की वाइट कलर की लेगिंग के साथ मैंने यहाँ पर पेयर किया है। बैक में मैंने डबल डोरी वाला डीप नेक रखवाया है जो कि इसके साथ काफ़ी सुंदर लगता है। या इस लुक को मैंने कंप्लीट किया है एक स्लीक लॉन्ग लो पॉनी के साथ, जो कि लुक को काफ़ी एनहेंस करती है। एक छोटी सी स्टोन की वाइट कलर की बिंदी और बहुत सारे चक्की से सिल्वर बैंगल्स इस लुक को काफ़ी एनहेंस करते हैं। और वाइट कलर का एक जैकेट, शॉर्ट जैकेट मेरे पास रखा हुआ था किसी और कुर्ते का, जो कि इस कुर्ते के साथ काफ़ी सही पेयर हो रहा था, तो मैंने उससे भी इससे थोड़ा सा पेयर करने की कोशिश की है जो कि इस लुक को काफ़ी एनहेंस करती है। दैट्स ऑल अबाउट इन द सेम कुर्ते के कलर के बड़े बड़े से होप्स मेरे पास थे। सो इस लुक को मैंने ऑल ओवर कंप्लीट किया है इन सारी चीज़ों के साथ। या दिस इज़ ऑल ओवर लुक। सो आई थिंक आप कभी कभी कुछ चीज़ों को एड ऑन करके इस तरह से लुक को एनहेंस कर सकते हो। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट ब्यूटिफुल येलो लाइम कुर्ता। ओहो, इसमें तो पूरी की पूरी समर स्प्रिंग वाइब्स आ रही है। बहुत ही प्यारा कलर है। ये कलर मैंने इससे पहले बहुत पहले पहना होगा, मुझे भी पता नहीं, इसलिए मुझे ये कलर बहुत बहुत पसंद आया। ये मुझे अपने ब्रदर ने गिफ्ट किया था। दिस इज़ अगेन फ्रॉम लोकल शॉप। एक्चुअली ये कुर्ता और पेंट का पूरा सेट है। सो सेम कलर की पेंट इसके साथ, पेंट में भी कुछ इस तरह की हल्की सी प्रिंट बनी हुई है। सो ऑल ओवर ये कुर्ता मुझे बहुत पसंद आया। इस कुर्ते की स्लीव्स 3/4 थी जो कि मैंने कटवा कर एल्बो तक करवा ली है। मटेरियल की बात करें तो यहाँ पर टोटली डिफरेंट मटेरियल है। यहाँ पर ये मसलन मटेरियल में है, बहुत ही क्रीम मटेरियल है, बहुत ज़्यादा सॉफ्टनेस है इस मटेरियल के अंदर। मैंने मसलन में भी बहुत कम कपड़े पहने हैं, सो मुझे ये मटेरियल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, बहुत ज़्यादा कंफर्ट लग रहा है। कलर्स आपको ज़रूर ट्राई करने चाहिए। इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ स्प्रिंग समर कुर्ती तो इस तरह के कलर्स आपको एड ऑन करने चाहिए जो कि काफ़ी सुंदर लगते हैं। मतलब कलर खुद ही अपने आप में आपको कॉम्प्लीमेंट देते हैं, आपको एक्स्ट्रा एक्सेसराइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कलर से ही आपका लुक काफ़ी एनहेंस हो जाता है। सो इस तरह के कलर्स भी आप चूज़। अगेन मैंने इस लुक को लो बन के साथ कंप्लीट किया है जो कि काफ़ी सही और काफ़ी कंप्लीट करता है इस लुक को। मूविंग ऑन टू द लास्ट बट नॉट द लीस्ट कुर्ता, ब्यूटीफुल पर्पल और ब्लू का कुछ कॉम्बिनेशन है। एक्चुअली ये इमेज में जब मैंने इसे देखा ना तो ये काफ़ी लाइट पर्पल शेड था, लेकिन आने के बाद ये थोड़ा सा डार्क ब्लू लगा है। सो कई बार इमेज में जैसे डिफरेंट हो जाता है, मैं इमेज यहाँ पर एड ऑन कर दूंगी। सो आप देखिएगा उसमें थोड़ा सा लाइट लग रहा है शेड, बट ये काफ़ी ब्यूटीफुल कलर है। स्प्रिंग समर के हिसाब से बहुत ही ब्यूटीफुल है। प्रिंट की बात
करें तो बहुत ही सुंदर इसके ऊपर प्रिंट है, इस तरह की प्रिंट, इस तरह के कलर्स आपको स्प्रिंग समर में बहुत बहुत सुंदर अंदर लगते हैं, आपके लुक को काफ़ी एनहेंस कर दे। तो इस तरह के कलर्स भी मेरे पास ज़्यादा नहीं है, तो मुझे ये काफ़ी डिफरेंट और काफ़ी सुंदर लगा, मुझे बहुत प्यारा लगा ये कुर्ता, लिटरली बहुत प्यारा लगा। जनरली मुझे स्टैंड कॉलर नहीं पसंद, मेरे ऊपर अच्छे नहीं लगते, बट इसमें फ्लैट कॉलर है जो कि काफ़ी अच्छी लग रही है मेरे ऊपर। और यहाँ पर अगेन मैंने हेयर्स को ओपन रखा है, बहुत ही सुंदर दिख रहा है, मुझे बहुत पसंद आया है ये कलर। मैंने बहुत पता नहीं कब पहना होगा, बहुत टाइम पहले पहना होगा, मुझे मेरे लिए काफ़ी न्यू लगा और मुझे बहुत सुंदर लगा। इस तरह के कलर्स स्पेशली आप समर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत बहुत सुंदर लगते हैं। कुछ भी ट्रस्ट मी गाइस, आपको कुछ भी एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये कुछ ऐसे कलर्स हैं जो अपने आप में ही कॉम्प्लीमेंट है, बहुत आपके लुक को बहुत चेंज कर देते हैं, बहुत ज़्यादा एनहेंस कर देते हैं। सो आई एम टोटली लविंग दिस कुर्ता। सो विच वन इज़ योर फेवरेट, लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इन दिस वीडियो वीडियो रियली होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा। विल मीट सून विद अनदर वीडियो, टिल देन बाय, टेक केयर।